5 मई को करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में होगा आयोजन। लोगों ने किया कार्तिकेय शर्मा का स्वागत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में। आपको बता दें कि पर परशुराम जन्म महोत्सव पर 5 मई को करनाल में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका निमंत्रण देने आज गुरुग्राम राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे। इस कार्यक्रम में लोगों को शामिल करने के लिए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय ने निमंत्रण दिया और लोगों से आग्रह किया कि वो बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में आए। 5 मई को करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य करनाल में करने का इसलिए है क्योंकि हरियाणा प्रदेश का मिड पॉइंट करनाल है। गुरुग्राम पहुंचे राज्यसभा सांसद का लोगों ने स्वागत किया और उनको आश्वासन दिया कि गुरुग्राम जिले से भारी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। कार्तिकेय जी, आज गुरुग्राम आए हैं, एक अलग-अलग प्रतिनिधि मंडलों से आप मुलाकात कर रहे हैं, क्या मुख्य उद्देश्य? देखिए, आज का आने का मेन उपलक्ष्य जो हम एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, आने वाली 5 मई को करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में, तो उसका न्योता देने आया था। और आज सबसे अच्छी बातचीत हुई, बहुत प्यार और स्नेह मिला है। मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ, मैं लगभग 17 से 18 जिलों में जा चुका हूँ अब तक, और लोग बहुत प्रोत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। देखिए, ये तो प्रभु की इच्छा है, पर बहुत भव्य कार्यक्रम होगा, जो भी कार्यक्रम पहले हो उससे बड़ा हो। जी, मैं तो न्योता सबको देने की कोशिश कर रहा हूँ। 36 बिरादरी को आपके माध्यम से भी मैं न्योता देना चाहता हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं जितने ज़्यादा लोगों से प्रत्येक रूप से मिल सकूँ और उनको न्योता दे सकूँ, ऐसा मेरा प्रयास है। लेकिन समय का अभाव है, और जितना समय के अंदर मैं पहुँच सकता हूँ, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं लोगों तक पहुँच सकूँ। और करनाल एक सेंट्रल पॉइंट बनता है पूरे राज्य के लिए, और इसीलिए करनाल में इसका आयोजन हो रहा है। पहले भी करनाल में ही आयोजन हुआ। आज अलग अलग प्रतिनिधिमंडलों ने देखिए, अभी आचार संहिता लगी हुई है, और मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, और मैं मानता हूँ कि मैं लोगों की भावना समझता हूँ और लोग भी मेरी भावना समझते हैं। मैंने उसका जवाब दे दिया सर, मैं लोगों की भावना समझता हूँ, वो भी मेरी भावना समझता है। सर, आपने जैसे कि कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना, मगर मैं लोगों की बातें सुन रहा हूँ, तो ऐसे में अगर आप सत्ता में रहते हैं, आते हैं, तो क्या कहीं और से रहकर भी आप यहाँ के लोगों के लिए काम कर पाए? क्यों नहीं, क्या आपको लोगों के लिए काम करने के लिए क्या वहाँ का सांसद या वहाँ का MLA होना जरूरी है? मुझे तो यहाँ के और कई जगहों के MLAs ने वोट की है, तो उनका भी हक है मेरी जीत के अंदर, तो मैं भी उनके लिए प्रयासरत रहूंगा, काम करूंगा। जैसे मैंने कहा, मैं अपनी क्षमता से बढ़ चढ़ के काम करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें।